सिर्फ देखने से स्वाद का पता नहीं चलेगा, बनाकर खाना भी पड़ेगा। तो ललचाइए मत और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और जाने कैसे आप घर में बना सकते हैं स्ट्रीट पे मिलने वाली बास्केट चाट। जी हाँ दोस्तों, आपने स्ट्रीट पे मिलने वाली बास्केट चाट तो बहुत खाई होगी, मगर क्या आपने सोचा है कि ये बास्केट चाट आप घर में बना सकते हैं, वो भी मार्केट में मिलने वाली बास्केट चाट से ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी। तो इस वीडियो में एक छोटे से ग्लास की हेल्प से आप बनाएंगे बास्केट चाट और जिसके स्वाद का आनंद आप अपने परिवार के साथ अपने घर में उठाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा क्रंची, इसके अंदर की फीलिंग इतनी अच्छी है कि दिल कर रहा है बस खाते जाओ खाते जाओ। ये है बास्केट चाट, जो कि बहुत ही अच्छी स्नैक फूड है, स्नैक रेसिपी है, स्वीट चाट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बास्केट चाट। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे बास्केट चाट। तो इसके लिए एक परात में हम एक कप मैदे को छान के ले लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 चम्मच सूजी ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम इसमें डालेंगे करीब 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और लास्ट में इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल लेंगे। अब सारी चीजों को हम आपस में मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मसल मसल के मिलाएंगे ताकि मैदे में तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मैदा और तेल अच्छे से मिक्स हो गई है, ये देखिए गांठ बन जा रही है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये लीजिए, आटा हमारा तैयार हो गया है। आटे को मैंने अच्छे से मिला लिया है, थोड़ा सा सख्त आटा मैंने तैयार किया है। अब इसे हम करीब 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम दही को फेंट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने घर में दही जमाई है, बिल्कुल फ्रेश दही है ये। तो दही को हम एक बाउल में निकाल लेंगे और उसको फेंटेंगे। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी दही मैंने घर में जमाई है, फ्रेश दही हमें लेनी है, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो दही मैंने निकाल ली, 1 कप दही मैंने ली है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी। आप कितना मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी डाल लें। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी ऐड कर लिया है। अब इसको हम फेंट लेंगे, चीनी घुल गई है। अब दही को हम रख लेंगे साइड में। तो चाट बनाने के लिए मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं दही के अलावा, जो कि है नमकीन सेव, स्प्राउट नून जिसको मैंने ओवरनाइट भिगो के रखा था, उसके बाद आप इसको किसी गर्म कपड़े में बांध के रखें तो ये सारे स्प्राउट निकल आते हैं। तो इस तरह का हमें स्प्राउट लेना है, जीरा और काली मिर्च का पाउडर, साथ में मीठी चटनी और मूंगफली के दाने। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का प्याज को काट लिया है और साथ में हरी मिर्च भी काट ली है। तो इन सारी चीजों से हम तैयार करेंगे बास्केट चाट। तो आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो गया है, इसको एक बार हम फिर से मसल लेंगे। अब इसके छोटे छोटे हम बॉल्स तैयार कर लेंगे, पूरी के साइज का हम लोई बना लेंगे। इस तरह से हम बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो अब इनको हम पूरी के साइज का बेल लेंगे। तो एक लोई हम लेंगे, हम उसको इस तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी के साइज की बेल ली है, थोड़ी सी बड़ी है, इस तरह का हमें बनाना है। और इसका जो लेयर है वो भी आप देख सकते हैं, न ज्यादा मोटा है न ज्यादा पतला है। नॉर्मली जितनी लेयर हम पूरी की साइज की रखते हैं उससे थोड़ा सा पतला है, क्योंकि तभी बास्केट क्रिस्पी बनेगी। तो इस पूरी को बेलने के बाद सबसे पहले हम इसमें फोर्क से इस तरह से इसमें होल बना लेंगे ताकि ये फूले। यहाँ पर मैंने इस तरह का मीडियम साइज का ग्लास लिया है, नॉर्मल ग्लास से ये थोड़ा छोटा साइज है। तो इस ग्लास से हम बेस तैयार करेंगे चाट का, जो कि बास्केट हम बनाएंगे। तो आप कोई भी साइज का ग्लास ले लें। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे,
इस तरह से हम चारों तरफ ग्रीस कर लेंगे। अब सेंटर में हम ग्लास को रखेंगे और चारों साइड से हम इस तरह से कवर कर लेंगे। से हम चिपका लेंगे ग्लास के ऊपर और जहाँ जहाँ पे थोड़ा मोटा रह गया उसको इस तरह से हम दबाते हुए फैलाकर पतला कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जो भी ऊपर नीचे साइज हो गया है उसको एक हम चाकू से कट कर एक प्रॉपर शेप दे देंगे। जो भी एक्स्ट्रा आटा है वो निकल जाएगा और आपको एक प्रॉपर शेप मिल जाएगा। ये देखिए अब हमारा चारों साइड से ये प्रॉपर इक्वल शेप में आ गया है और बिल्कुल आपको बास्केट का शेप इसमें मिलेगा। और अब हम ऊपर से भी हम फोर्क से होल कर लेंगे। ये जो हमने बास्केट बनाया है इसको फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम इसको इस तरह से डालेंगे, थोड़ी देर हम इसको स्ट्रेट फ्राई करेंगे, उसके बाद हम पलट के चारों साइड से फ्राई करेंगे। तो इस तरह के मैंने दो तैयार किए हैं, दोनों को हम साथ में डाल लेंगे। अब धीरे धीरे इसको हम इस तरह से गिरा लेंगे और यूं इस तरह से हम चारों साइड से इसको फ्राई होने देंगे। धीरे धीरे हम इस तरह से चारों साइड से पलट के फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये फ्राई हो जाएगी अच्छे से ये अपने आप ग्लास को छोड़ देगी। ये देखिए एक ग्लास से ये निकल आया है बास्केट हमारा। अब हम ग्लास को निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत बेहतरीन हमारा बास्केट बना है और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दूसरे ग्लास से भी ये बास्केट निकल जा रहा है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है निकाल लेंगे। अब इसको हम धीरे धीरे पलट के चारों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए जबरदस्त बास्केट हमारा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से हम इसे पलट पलट के सेकेंगे ताकि अंदर भी ऑयल जाए और अंदर का बेस भी अच्छे से फ्राई हो सके। तो चलिए हमारे दो बास्केट बनकर तैयार हो गए हैं, बाकी के बास्केट भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको इस तरह से उल्टा करके हम निकाल लेंगे, दूसरा भी हम निकाल लेंगे। ये दो बास्केट हमारे लाजवाब बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ज्यादा क्रिस्प है। तो अब बास्केट तो हमारा बनकर तैयार हो गया, यानी चाट का बेस तो हमने तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे, तो चलिए चाट की प्लेटिंग करते हैं। तो गाइस बास्केट तो हमारा तैयार हो गया है, अब चलिए हम चाट बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम फिल करेंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज हम डाल लिया इसमें और थोड़ा इसमें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे स्प्राउट। अब जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं डाल रही हूँ वही आप डालें, आप अपने पसंद से कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। आप स्प्राउट्स की जगह कुछ और फूले हुए चने डाल सकते हैं या फूला हुआ काला चना, जो छोले वाले चने होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो आप अपना कोई भी वेरिएशन बना सकते हैं। अब इसके अंदर वापस से हम थोड़ा सा प्याज और डाल लेंगे और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे दही। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, इसके बाद इसमें भुना हुआ काली मिर्च और जीरा पाउडर, उसके बाद चाट मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी। आप मीठी वाली चटनी या तीखी वाली चटनी दोनों अपने पसंद से डाल सकते हैं। थोड़ा सा मूंगफली। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्राउट और डाल लेंगे और दही को हम फिर से इसमें डालेंगे। दो लेयर वाली दही अच्छी लगती है, इसमें दही का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो वापस से हम एक बार और ऊपर से दही का लेयर बना लेंगे और इतना यकीन मानिए इतना टेस्टी चाट शायद आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, एक बार जरूर ट्राई करें, जबरदस्त लगेगी। और दही को हमें इस तरह से डालना है कि थोड़ा थोड़ा ये साइड साइड से भी गिरे। इसके ऊपर से हम थोड़ा और डेकोरेट कर लेंगे, जीरा पाउडर, थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी चटनी, थोड़े से मूंगफली के दाने ऊपर से भी, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा सा,
और आखिरी में हम इसमें डालेंगे ढेर सारा सेब। ये तो बन गया ना जबरदस्त हमारा बास्केट चाट, जो कि स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी है। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे हम ऊपर से लाल मिर्च, परफेक्ट। ये लीजिए लाजवाब सुपर टेस्टी बास्केट चाट, जो कि खाने में बहुत स्वादिष्ट और साथ ही साथ क्रंची भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि और भी इसमें क्या वेरिएशन करना चाहिए या कौन सा वेरिएशन वाला चाट पसंद करते हैं। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी इस तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ बने रहने के लिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। रेसिपी की कम्प्लीट डिटेल चैप्टर वाइज बारीकियों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, कृपया उन्हें देखें। साथ ही साथ रेसिपी का लुत्फ़ उठाने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।